बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं अपना एक नई शर्ट का विज़िट करवाऊंगा जहां पे मैंने मुर्गियों को बेचा है, रखा है, नई चूज़े भी रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 मल्ले का प्लाट है। मैंने पीछे कमरा बनाया है, ये जाली लगाई है और आगे सारा खुला ये मट्टी का मैंने रखा है। पंप लगा दिया मुर्गियाँ, ये मैंने वो देख सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो मुर्गियाँ मैंने रखी, माशाल्लाह ये देखें, इनकी हेल्दी मुर्गियाँ मेरी। तो ये एक मुर्गा, 3 मुर्गियाँ, और ये जो बाकी सारे छोटे आप देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली मैंने कोई 1 वीक पहले ये लिए थे फेरी वाले से, और ये सामने बतख 7-8 बतख रखी हैं। ये इन माहौल के अंदर परिंदा जो सब बहुत खुश रहता है, अपनी मर्ज़ी से ही अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, गर्मी का कोई टेंशन नहीं है, मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं ये लोग। लाइट वगैरह मैंने इस तरह लगा दी है, बाकी आपको रूम कमरे का भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए पानी का हर टाइम मैंने इनको, क्योंकि जून जुलाई चल रहा है और पानी का मैंने इंतज़ाम किया हुआ है, ये पानी रखा हुआ है। ये शेड के ऊपर इनको खाना छाना दे देता हूँ, वो एक पानी का लगा हुआ है, इधर शेड के अंदर लगा देता हूँ। और इसके अलावा ये है मेरा अंदर, एक समझ करता हूँ, लाइट शायद चली गई है। ये एनीवेज ये बड़ा 19 फुट का ये कमरा है, 19x12 का, और इसके ऊपर मैं छत पे ये पंखा भी लगा दिया ताकि गर्मी जब हो इनको मैं लगा देता हूँ। लेकिन ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने फर्श नहीं डाला, मैं पानी का छिड़काव कर देता हूँ सुबह शाम, ताकि मुर्गियाँ जो उनसे ना अच्छे तरीके से जो उनसे ना वो ठंडी रहें, गर्मी इनको ना लगे, और ये मैं कर देता हूँ। अभी अभी जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये देखें वो मैं कैसे लाइट आ रही है जा रही है, बंद ही करते बेहतर है, बंद ही कर दिया। तो ये चूज़े वगैरह मैंने रखे हैं, इंशाल्लाह ताला मैंने और चूज़े लेने हैं। 1-2 मेरे चूज़े बीमार हुए हैं, वो इसलिए बीमार है क्योंकि जिनसे मैंने लिए हैं उनसे मैंने पूछ के नहीं थे लिए कि ये बीमार तो नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है 1-2 बीमार थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे चूज़ों को भी बीमार किया। तो आप लोग भी वैसे बेहतर यही है कि जब भी लें तो चेक करके लें। ये इस तरह ये और ये खिड़की मैंने लगाई है हवा के लिए, दरवाज़ा भी ये जो मैंने लगाया वो जाली का लगाया हो ताकि हवा के सिस्टम ठीक रहे। आप लोग भी जब लगाएं हवा के सिस्टम बिल्कुल ठीक रहें। बैक पे आप ये जो दीवार देख रहे हैं, मेरा आगे इंशाल्लाह प्लान है इधर सुराख करके एग्जास्ट लगा देना, ताकि पिछली साइड पे भी हवा का जो सारा बंदोबस्त हो जाए बेहतरीन। तो ये था हमारा एक दूसरा शेड जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोग भी ये देखें, मैंने सामने जो एंट्रेंस था उस पर उसके साथ भी, गेट के साथ भी जाली लगाई रखी है, क्योंकि ये दरमियान वाला प्लाट है, इस साइड पे दीवारें, तो इसलिए मैंने रखा ताकि हवा का बंद हो, वहाँ से हवा आए और ये जाली इधर अंदर, फिर अंदर से दरवाज़ा भी नहीं इसलिए रखा है, पीछे एक लग जाएगा उससे जो सारा हवा का ज़्यादा बंदोबस्त अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी।